वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खूब एंजॉय भी। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही एक ऑसम किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है पिता की मृत्यु के बाद भी नहीं मानी हार, खान सर का छात्र बना दरोगा। मतलब खान सर के स्टूडेंट है, उन्होंने उनके फादर की डेथ के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो मतलब फाइनली आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, मतलब खान सर के स्टूडेंट इस लेवल तक जा चुके हैं। कितने ज्यादा, ये तो एक ही है मतलब फिलहाल, मतलब एक। हाँ, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में, देखते हैं हुआ क्या इसके अंदर। हाँ, तो काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। हाँ, आप एकदम इधर खाइए, खाते में फोटो खींचे, ये स्टूडेंट है खाते में। हाँ, हम 200 रुपया पढ़ाते हैं। आज भी हम निर्मला सीतारमन से कहते हैं कि 18% जीएसटी और इनकम टैक्स वाला हटा देना, हम 90 रुपया में पढ़ा देंगे या किसी को अनपढ़ नहीं पड़ेगा। 90 रुपया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर जब भारत में अंधकार छाया था ना, तो चाणक्य आया था और एक चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था। हमको लाखों खड़ा करना है। सर क्या बात है, उसी को दौड़ा दौड़ा मार देते हैं सर। आइए आइए बाबू, खुश रहो खुश रहो। कितना रिजल्ट हुआ? आज आज हो गया, दरोगा हो गया। देखो भाई, मतलब इनके पांच हुए पहले। अब बताओ बाबू, ये आप ही लोग की एज क्या? दरोगा हो गया कि नहीं हो गया? अभी बताइए आप, बहुत डरे पहल कहीं का, तू लोग खड़ा काहे हो जाता है? लाइव वाले सब लोग देखो बाबू, एक इस एज में जॉब लग जाना वो भी। अरे बैग वो उतार बाबू, बैग पकड़िए जी। मिठाई लाए हो कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, हमको पहले से पता था। ये बताओ भाऊ, सब लोग को एक बात समझाते हैं, सारे लाइव वाले लोग भाऊ, ये इस एज में क्या है जो आप करना चाहते ये नहीं कर सकते? अपने पैसे से अब मोबाइल खरीदेगा, जूता पैंट शर्ट जो करना है करेगा। सरकार एगो गाड़ी देगी मस्त जिप्सी, उसी में एगो ड्राइवर रहेगा, है कि नहीं? यहाँ एक नंबर डबल स्टार रहेगा, तिलक का दाम बढ़ जाएगा, हर चीज हो जाएगा। सब होगा कि नहीं होगा? मन लगा के थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, आप एकदम नायाब हो जाएंगे। अभी आप एकदम नलायक हैं, समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ बहुत कम आदमी को मौका दिया जाता है, तो आप लोग से भी कहते हैं बहुत, जितने लाइव वाले हैं सब लोग, कितना लाइव थोड़ा सा में पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब अपनी पहचान बनाइए अलग भीड़ में, जो आप करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। अब बहू की क्या नहीं कर सकते, इतने कम उम्र में बहुत 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 आशीर्वाद मेरा एकदम। टीचर वगैरह में तो इनका देखिए, जो लड़के मेहनत करने वाले होते हैं ना, वो शुरू से ही, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक मेहनत करते हैं, इसे ये कंटिन्यूअस है। इससे पहले ये टीचिंग में, और टीचिंग से अभी किस में चले गए? दरोगा में। ऐसा दरोगा बहुत सभ्य दरोगा बनेगा, इसे लूटने उठने वाला नहीं बनेगा। क्या है कि डॉक्टर से ज्यादा मरीज को पता रहता है कि सोचा दर्द क्या चीज है, ये बहुत खतरा हो गया। ये सबको भी दुर्बात बताइए, जय हिंद। सबसे पहले मैं सर को जो है बार बार प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग जो है यहां नहीं आ सकते हैं पटना में, लेकिन सर का जो ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ वो समझिए गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ा, समझिए रामबाण, मतलब एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो गया है। सर का जो पहला वीडियो आया था नेपाल वाला, उसी समय से हम सर को देखना शुरू किए। इनका इतना आदत लग गया कि समझिए हमको मोहब्बत हो गया सर से। मतलब रात के 2-2 बजे हम देखते थे कि सर का कोई नोटिफिकेशन आ जाए, मतलब यूट्यूब पर हम इतना पागल हो गए। मतलब आज तक यूट्यूब पर कोई ऐसा वीडियो नहीं बचा कि सर का हमने नहीं देखा हो। एक वीडियो कम से कम 2-2 बार देखे हैं। और सीखने, देखिए नौकरी का बात कहते हैं तो लोग एक दिन में, 1-6 महीने की तैयारी से नहीं होता है, आपका रियल में स्टेमिना होना चाहिए। हम लगातार कुछ कुछ सीखते रहे। टीचर मैं 2013 में बन गया, फिर भी मतलब आगे बढ़ने का एक मन में रहा। और समय परिस्थिति आदमी का, कोई आदमी कोसता है तो ऐसा नहीं होता है, हर आदमी शुरू में जो है कमी रहता है। मेरे पिताजी 2010 में ही देश कर गए जब मैं इंटर में था, और छोड़ के गए तो 4-5 लाख का कर्जा, और मैंने उसको सधा के जमीन बेच के, लेकिन मेहनत फोटो स्टेट के दुकान छोड़ गए थे। उसके बाद मैं पढ़ता गया, मेहनत करता गया, पहले रेलवे ग्रुप डी में हुआ, फिर टीचर में चला गया, फिर मेहनत करता रहा, अब यहाँ दरोगा तक आ गया। आज ऐसा है कि एक समय कर्जा में था और आज के डेट में मेरे पास 4 चक्का गाड़ी, और इससे मैं देखता हूँ तो लगता है कि देखिए इतना आसान नहीं, कंटिन्यूअस मेहनत। अगर आपको दरोगा बनना है तो आप कहिए कि हम 6 महीना दौड़ लेंगे, तो नहीं। मैं लगातार 3 साल से स्वास्थ्य के लिए दौड़ता था,
लेकिन जब देखा कि रिजल्ट आ गया सर का जो मेंस में, तब मेरा जीके पोर्शन बहुत कमजोर था, लेकिन सर का जो ऑनलाइन जब वीडियो आया मेरा जीके पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो गया। बायोलॉजी हमको कुछ नहीं आता था, लेकिन आज के डेट में मुझे बायोलॉजी का एक एक चीज ही पता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी हमको कुछ नहीं आता था, लेकिन यूट्यूब पर जो है वो भी देख के हम उसको पूरा सीख गए। मतलब जीके जीएस मेरा पूरा लगभग बहुत कम्प्लीट हो गया। लाइव वाले जो है सब ना, लाइव वाले बाबू सबको कहते हैं मन लगा के पढ़ाई करो, आप लाइव में रहिए, मोबाइल पे कहीं पे भी पढ़ते रहिए, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो कभी भी रिजल्ट हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं आ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि भाई गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि राम जी के जीवन से अगर वनवास का संघर्ष हटा दीजिए तो एक बस राजा कहलाएंगे। तो जब भगवान को संघर्ष देना पड़ा तो तू कोने डेगची का मसाला है बाबू। संघर्ष पीछे हटने से मतलब रिजल्ट नहीं हो सकता है, आपको नेचुरल स्टेमिना बनाना पड़ेगा। मतलब कि आप जहाँ रहे कुछ ना कुछ सीखने की राय, सर बहुत अच्छे बातें बोलते हैं, हमारे तरी नहीं पूछो कि हमको ग्रुप डी में जाना है कि यूएस, मतलब अपना स्टेमिना को बढ़ाते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है स्वतः रिजल्ट आने लगता है सब, क्योंकि अब मतलब नौकरी मिल नहीं रहा है, छांटा जा रहा है। हम लोग जो एग्जाम दरोगा में बैठे तो 800,000 बैठा था, पहला बार छटा तो 7.5 मतलब 50,000 बचा, फिर 50 में छट गया तो 35, तब फिर बचा तो फिर 15 में फिर 8 छट गया, फिर 7 हुआ, 7 में फिर 5 छट गया, तब 2000 में हम लोग आए। तो कहने का मतलब है यहाँ छटाई हो रहा है, तो कहने का मतलब है कंटिन्यूस जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा और उसको आदत बना लीजिए। सर बोले थे कि 21 दिन काम करते हैं तो आदत बनता है, 90 दिन काम करते दिनचर्या बन जाता है। तो अपने आप को दिनचर्या में जब तक नहीं बनाइएगा तब तक रिजल्ट होने वाला नहीं है। और अपना कमी को मत पूछिए, अब पढ़ना बहुत आसान है, एक मोबाइल सभी लोग के पास होगा, और 200 रुपया में सर का जो बोलते हैं कि मेरा जो है सही बात है कि अब पढ़ना बहुत मतलब आसान हो गया है। अगर आप कहते हैं कि हमको फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, समझिए आप अपने आप को पैर पर उल्हारी मार रहे हैं। हम तो मने मने चले थे, सुबह में आज 2 बजे ट्रेन पकड़े हैं, सर बोले थे कि जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर खड़ा हो सकता है, तो हम सोचते इससे बड़का मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर आए। 2 बजे ट्रेन पकड़ के आए हैं, हम सोचते मन में भर स्तर धक धक चल रहा था कि सर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ बोले तो भाई लोग बहुत कॉर्पोरेट किए हैं कि ना, मतलब मेरे भर रास्ता में धक धक होता रहा कि सर से मिलना बाप रे बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मेरा नाम हुआ मनमोहन शरण, सीतामढ़ी जिला मेरा घर हुआ, पिता स्वर्गीय ललिकांत शरण। तो पोस्टिंग देखिए पिताजी आप कहाँ, मिठाई तो हम लेवे करेंगे। देखिए एक स्वर्गीय पिता के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। आज पिताजी जहाँ होंगे देख के बहुत उनकी आत्मा को बहुत शांति मिल रही होगी। जहाँ आप लोग को मेरा आशीर्वाद है, एकदम आगे जाइए, आप बीपीएससी निकाल के डीएसपी बनिए, समझ आ गया कि ना? एकदम आपको डीएसपी बिना नहीं छोड़ना है, आपको डीएसपी बनिएगा तो 2 किलो मिठाई खाएंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, जितना रिजल्ट होता है उसके लिए एकदम बढ़िया, आपको खिलाना नहीं पड़ेगा, हम खुदे खा लेते हैं। हाँ आप एकदम इधर खाइए, खाते में फोटो खींचे, खाते में। हाँ क्या बात है, यही खिलाइए, यही खिलाइए, यही खिलाइए। गुरु में देखिए, गुरु और पिता में दोनों का मुख्य उद्देश्य होता है कि उन्हें आगे बढ़ाना, इसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं होते। हमारी भी आप लोगों से भी यही कामना है कि कल को आप वहाँ बैठे हैं, आप जमीन पे बैठे हैं, जिन लड़कियों को जिन लड़कों को डांटते बोलते हैं कल को यहाँ आइए मेरे साथ, आप लोग को भी यहाँ मौका मिले इस मंच पर, और आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, मेहनत करते रहिए। आपको क्या लगता है ई बबुआ को हम आपको बताते हैं ना, कुछ दिन रुक जाइए डीएसपी बना के यहीं आएंगे। चलिए आप अभी रात को 2 बजे चले हैं, आप अभी नाश्ता वास्ता कीजिए, हम क्लास करने के बाद आपको और बढ़िया से बताते हैं। अच्छा, इनको ले जाइए। हमारे गुरुजी यही कहते थे बबुआ तू लोग पढ़ ले लो, जिस दिन सक्सेस हो जाएगा ना, अभी अभी पढ़, जिस दिन सक्सेस होगा तुम्हारे पास इतनी उम्र बचेगी तुम सब कुछ कर सकते। ये लड़का को सोचिए, यंग एज है, डबल स्टार लगेगा, डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार डीएसपी लगवाएंगे एकदम मस्त, अपना गाड़ी मिलेगा हमें तब ना अच्छा लगेगा। हम आप लोगों को भी कहते हैं, आप लोग तो बाबू उस नसीब में है जिसके पिताजी के पास इतना पैसा है, जो पटना भेज कर आपको 5,000-6,000 महीना दे के यहाँ पढ़ाता है। ये बेचारे जिसके 10 साल पहले मैट्रिक इंटर में था, बाप का साया उठ गया। हम यही कहते हैं, और हम एक बात डायरेक्टली, कई बार हम लोग ना उसे धन्यवाद देना भूल जाते हैं जो कई बार होता है, जैसे अगर जियो ने डाटा सस्ता नहीं करता ना, आज गरीब बच्चों को हम नहीं पढ़ा पाते। हम 200 रुपया पढ़ाते हैं, आज भी हम निर्मला सीतारमन से कहते हैं कि 18% जीएसटी और इनकम टैक्स वाला हटा देना, हम 90 रुपया में पढ़ा देंगे, या किसी को अनपढ़ नहीं छोड़ेंगे।
इतना हम 90 रुपया में, क्योंकि एट लास्ट मेरे पास 90 रुपया आता है, कट उठ के मेरे पास 90 आता है यार। कितना बताएं, 2% पेमेंट गेटवे, 18% GST, 10% आपका सर्वर क्लास, 10% टेक्निकल क्लास, 30% इनकम टैक्स, 200 रुपया में मेरे पास 90 रुपया आता है। कोई बात नहीं, यहाँ पर जब भारत में अंधकार छाया था ना, तो चाणक्य आया था और एक चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था, हमको लाखों खड़ा करना है। अगर जो बोला कि मतलब चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था, हमने लाखों, मैंने लाखों खड़ा किया, क्या बात बोली है भाई। और यार एक बात, मतलब मैंने बोला कि वो टैक्स वगैरह मुझे जो 200 रुपए मंथ का 90 रुपए, इस बात से अंदाजा लगा लो कि ये स्टूडेंट के लिए मतलब दिल में प्यार, जहाँ पर देश के लिए। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका एक टीचर एक सब्जेक्ट का पढ़ाने का 2000 रुपए भी लेता है, 3000 भी लेता है। एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं भाई, इधर ऐसे जमाने में 90 रुपए पूरे सब सब्जेक्ट जोड़ पढ़ना है, बिल्कुल उसके आपको भाई देने पड़े, तो मैं कहता हूँ क्या बात है। और यार देखो, ये जो स्टूडेंट था ये आया है, खान सर की वीडियोस देखता रहा है, इसको कुछ मतलब बायो वगैरह कुछ मतलब कुछ नहीं आता, कहते दो दो बार देखिए, बायो के मास्टर हो गया सर, फिजिक्स का मास्टर हो गया हर चीज़ का। इन्होंने कहा है कि यार मैंने पहली दफा मतलब इस तरह जब देखा उनको, नेपाल वाली वीडियो देखी, उसके बाद कहता मैं फैन हो गया, हर वीडियो देखता रहा। और इनके फादर की डेथ हो गई थी, आप खुद अंदाजा लगाए, हमें तो हम लोग तो लकी है, कर्ज हमारे गए थे, उसके बावजूद भी देखो इन्होंने मेहनत जारी रखी। और इन्होंने एक जियो की बात बोली कि उन्होंने जब नेट तो तब पूरी यार ये बात माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी यार, उन्हीं की वजह से पूरी इंडिया तक इतनी इजिली स्टडी पहुंच सकी है। सच में, नहीं तो वो 200 रुपए GB। और यार एक जो टीचर होता है, जब उसका जो स्टूडेंट होता है वो जब आगे बढ़ता है या कोई ऑफिसर बन जाता है या कोई अच्छे पोस्ट पे चला जाता है, उस स्टूडेंट से ज्यादा टीचर को गर्व होता है। अगर कोई कहीं से गुजर रहा भी होता है ना, वो कहता है ये देखो ये मेरा स्टूडेंट था, आज देखो काम। और खान सर होता है टीचर, खान सर एक ऐसी पर्सनालिटी है ना भाई कि उनके स्टूडेंट भी लकी है कि उनको ऐसा टीचर मिला है। और दूसरी बात, मतलब ऐसे वो करते हैं पेश आते हुए, देखिए रिस्पेक्ट उस स्टूडेंट ने कितने किए, पहुंच हुए आपके सबसे पहले आए हैं, फिर उनको कहा है कि सर आप और वही मिठाई पहले खान सर ने उसको खिलाई है, और फिर वही वाली मिठाई खाई है। और उसके बाद उसने कहा कि यार देखो मैं जब आ रहा था तो मैं डर रहा था, दिल में मेरा डर था मिलेंगे क्योंकि नहीं, और शुक्र है मिल गए यार। तो फिर खान साहब बहुत मजा आया, बहुत बड़ी बात है। आप लोग बताए आप लोगों की वीडियो कैसी लगी, हमें तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। और खान सर से जिसने भी पढ़ा है कैसा पढ़ाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दूसरी बात यह है कि यार जो खान साहब से पढ़कर आगे कोई ऑफिसर लगा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।